नमस्कार विद्यार्थियों, आज बीए भाग द्वितीय वर्ष का अगला टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत। मूलतः मानव भूगोल में अलग अलग सिद्धांत दे रखे हैं, उनमें तीन प्रमुख सिद्धांत हैं। जो सबसे पहला सिद्धांत आता है क्रियाशीलता या परिवर्तन या सक्रियता का सिद्धांत, दूसरा पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत, और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये मानव भूगोल में प्राकृतिक और सांस्कृतिक जो तथ्य हैं, उन तथ्यों में जो मानव सबसे एक क्रियाशील प्राणी है, और क्रियाशील प्राणी होने के नाते वो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर पर्यावरण में समायोजन करता है, और विभिन्न तथ्यों के आधार पर इन तीन सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है। उनमें पहला सिद्धांत आता है क्रियाशीलता या परिवर्तन या सक्रियता का सिद्धांत। सबने सुन रखा है कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जितने भी मूल, ये पहले नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विश्व के सभी जड़ या चेतन पदार्थ, चाहे वे भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सब परिवर्तन होते रहते हैं। उनके रूप, अवस्था और स्थिति में कार्यकलाप होने की क्षमता होती है। कहने का मतलब सीधा का सीधा ये हुआ कि पृथ्वी पर जितने भी चाहे भौतिक या सांस्कृतिक पदार्थ हो, उनमें सब में परिवर्तन होता रहता है। कोई भी तथ्य स्थायी नहीं है और उनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सामान्यतः समझने के तौर पे कह सकते हैं कि पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया है, पर्वत धीरे 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 उत्थान होता है। पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य देख नहीं पाता क्योंकि बहुत दीर्घ अवधि में जाके संपन्न होती है, जबकि दूसरी ओर विशाल नदियाँ या सागर के किनारों पर अपरदन करती है, कटाव करती है, जो हमें दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है। पर्वतों के उत्थान के फलस्वरूप विभिन्न क्रियाकलाप होने के फलस्वरूप भी परिवर्तन होता है, वो जो भौतिक परिवर्तन है। इसके साथ साथ भौतिक कारकों में जलवायु अगर बात करें तो जलवायु का परिवर्तन लगातार होता रहता है। जलवायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होती रहती है। क्षेत्र विशेष की भी जलवायु के विभिन्न कारकों में दाब ताप में परिवर्तन आता रहता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब पहला सिद्धांत ये हुआ कि जितने भी पृथ्वी पर जो भौतिक या सांस्कृतिक तथ्य पाए जाते हैं, उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, कोई भी तथ्य स्थायी नहीं है। मानव की अगर बात कर लें तो मानव की संख्या में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है, क्षेत्र विशेष की संख्या में परिवर्तन होता रहता है, वहाँ पर और जनसंख्या उत्पन्न होती जाती है या वहाँ से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण होता रहता है। तो किसी स्थान पर संख्या बढ़ जाती है, किसी स्थान पर संख्या घट जाती है। तो इस प्रकार के विकास और क्रियाकलाप को स्पष्ट करते हुए परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है, और ये जीन ब्रूस ने अपने शब्दों में इसको व्यक्त किया कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएँ हैं वे सब परिवर्तनशील है। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उनका ह्रास हो रहा है, वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। चूंकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील है, अतः इस दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। जीन ब्रूस का ये मूलतः सिद्धांत है, जीन ब्रूस ने कहा है। और जीन ब्रूस ने इस सिद्धांत में जो परिवर्तन लाने वाले, इस सिद्धांत में जो जिन शक्तियों की बात की है जो प्रकृति में परिवर्तन करती है, उन शक्तियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली आती है भौतिक शक्तियाँ, जो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य भाग पर यह क्रिया कार्य करती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में शक्तियाँ होती है जो पृथ्वी के ऊपरी भौतिक ऊपरी सतह पर परिवर्तन लाती है, और ऊपरी सतह में जो विभिन्न प्रकार के जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति या विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रम है, जिसमें जल दाब है, बहता हुआ जल है जिसे नदी भी कह सकते हैं, पवन है, हिमनद है, इस तरह के जो प्रक्रम हैं जो बाह्य शक्तियों के रूप में काम आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के भौतिक परिवर्तन लाते हैं।
दूसरी सांस्कृतिक शक्तियाँ, जिसमें सांस्कृतिक रूप से सबसे प्रभावी कारक है जो मानव है। मानव विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप करता है या प्रकृति में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इस तरह का ये पहला मूल सिद्धांत अंत में यही हुआ कि जीन ब्रूंस के शब्दों की वापस बात कर लेते हैं कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब की सब परिवर्तनशील है। या तो वस्तु बढ़ रही है या वो कम हो रही है, वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। ये चीज़ पहला मूल सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत आता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल ने किया है और उसने इस सिद्धांत के बारे में एंथ्रोपोजियोग्राफी अपनी जो पुस्तक है उसके बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो एक दूसरे से संबंधित हैं। इन तथ्यों में कोई भी तथ्य स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है, इसलिए उनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए इस प्रकार इस सिद्धांत को अंतर संबंध, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप का सिद्धांत का नाम भी दिया गया है। ब्लास भी रेटजेल के इस सिद्धांत का समर्थन करता है और ब्लास भी अपने सिद्धांत में पार्थिव एकता का की पुष्टि करता है। रेटजेल का मानना है कि संपूर्ण पृथ्वी है वो एक इकाई के रूप में है और उसमें एकता का अनुभव किया जाना चाहिए। सभी तथ्य, चाहे भौतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, सभी तथ्य आपस में एक दूसरे से परस्पर कहीं न कहीं आपस में अंतर संबंधित है, आपस में कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार मानव का संपूर्ण जीवन, उनके बहुमुखी प्रक्रियाएँ, मानव समुदाय आदि सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से किया जा सकता है और इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तथ्यों या अवयवों के परस्पर संबंधों पर जोर दिया गया है, जिसमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। तो पार्थिव एकता से मतलब पृथ्वी को एक इकाई के रूप में माना गया है, इसमें चाहे भौतिक कारक हो चाहे सांस्कृतिक कारक हो, जिसमें मानव भी शामिल है, इन सभी तथ्यों को सबको आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित माना गया है, इसलिए इसको अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा गया है। जैसे वायुमंडल का एग्जाम्पल दे रखा है, वायुमंडल में ताप दाब के तत्व आपस एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, विभिन्न प्रकार की वायुमंडलीय परिघटनाएँ संपन्न होती हैं। इस तरह से पर्वत और नदियों में भी आपस में गहरा संबंध पाया जाता है, वनस्पति और जलवायु में विभिन्न प्रकार का गहरा संबंध पाया जाता है, पार्थिव एकता की दृष्टिगोचर होती है। पशुओं और प्रकृति की वनस्पति में जिस तरह की खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इस तरह के मानव और जलवायु में संबंध है, जनसंख्या और धरातल में संबंध है, मानव और समुद्र में संबंध है, तो इस तरह के सारे तथ्यों का संबंध जोड़ रखा है आपस में। अगला तीसरा सिद्धांत आता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत या विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत। पृथ्वी के विभिन्न भागों में वातावरण की विभिन्नताएँ मिलती हैं, इन विभिन्न वातावरण में मानव की आवश्यकताएँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। वे अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी आवश्यकताओं की निर्धारित करता है, उसमें काट छांट करता है, उसमें पूर्ति करता है। प्रत्येक वातावरण में मानव द्वारा किए गए सामंजस्य के ढंग में भारी भिन्नता मिलती है। मूल सिद्धांत यह है कि मानव है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक वातावरणों में निवास करता है, तो वो अपनी आवश्यकता अनुरूप कुछ तो वातावरण में वो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, और अगर वो परिवर्तन नहीं कर पाता है तो उसके साथ समायोजन करता है, सामंजस्य स्थापित करके निवास करता है या अपने क्रियाकलाप करता है। जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेशों में रहने वाले इंडोनेशिया और मलेशिया में रबड़ की खेती एक व्यापारिक पैमाने पर की जाती है, परंतु समान प्राकृतिक वातावरण रखने वाले अमेजन बेसिन में रबड़ की खेती यहाँ तो नहीं की जाती, या की जाती तो बहुत प्राचीन ढंग से की जाती। तो एक क्षेत्र में उसी फसल की खेती व्यापारिक तौर पर की जाती है, जबकि दूसरे में वहाँ पर प्राकृतिक तौर पर की जाती हैं। इस प्रकार मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। अब आता है कि ये वातावरण का जो समायोजन है वो दो रूपों में करता है, दो प्रकार से करता है, एक तो समानुकूलन और दूसरा परिमार्जन या रूपांतरण। समानुकूलन से क्या मतलब है कि वातावरण में अपने आप को ढालने या परिवर्तन कर लेने को, अपने आप को खुद को उनके वातावरण के अनुसार परिवर्तन कर लेना। दूसरा है परिमार्जन या रूपांतरण, मानव किसी स्थान पर अपनी आवश्यकता के अनुसार वातावरण में संशोधन कर लेता है और अपने आप को अनुकूलित करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब है जब पहला समानुकूलन या समायोजन अर्थात वातावरण के अनुसार मानव अपने आप को परिवर्तित करता है, दूसरा परिमार्जन या रूपांतरण, रूपांतरण से मतलब है मानव अपनी आवश्यकता अनुसार
वातावरण में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसमें कुछ संशोधन करता है। तो इस प्रकार है, ये मानव भूगोल के तीन मूलतः सिद्धांत दिए गए हैं। इन सिद्धांतों में तीनों में